वेलकम टू टेक्सियस इंजीनियरिंग। हेलो स्टूडेंट्स, हियर आई एम हिमांशी अग्रवाल। हियर आई एम अपलोडिंग दो व्हाइल लूप विद प्रोग्राम इन सी सी प्लस प्लस। सी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दिस इज माय बिगनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर अवर टेक्निकल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न अबाउट कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर माय न्यू अपलोडेड वीडियोस। ओके, आई अपलोडेड सम वीडियोस रिलेटेड टू दिस टॉपिक टू वॉच फ्रीली ऑन दिस चैनल। I uploaded three videos on loop concept in C, C++, C has Java programming language. In these videos, I explained basic of loop, for loop, while loop concepts. If you want to watch these videos link are in description box. So watch freely on this channel, okay? प्रीवियस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को मैंने सी सी प्लस प्लस सी है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फोर लूप के और वाइल लूप के लिए जो एग्जांपल लिया था 1 to 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने वाला, वही एग्जांपल हम यहां भी लेंगे इस वीडियो में। आपको अच्छे से समझ आए, जिसके लिए फोर वाइल और टू वाइल में तीनों में अंतर भी समझ आए, इसलिए हमने यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिया है। यहाँ इस वीडियो में आप सभी लोग समझेंगे डू वाइल लूप क्या, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, क्या होता है डू वाइल लूप, कैसे रन करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये सब आप यहाँ समझेंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये भी आप यहाँ समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स में से किसी को भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फ्रीली कॉन्टेक्ट विद मी इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल ट्राई टू ईच एंड अवर क्वेश्चन एंड ईच एंड अवर क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो। I will try to cover your each and every question in your next video on or in your next or in your comment box. Every Sunday मैं आपके questions के लिए भी एक video लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आप सभी के questions को cover करूंगी। Okay? So now we start today's session. Today's our topic is while loop with program in C, C++, C has Java programming language. जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज आप इस वीडियो में डू व्हाइल लूप को एक ही एग्जांपल को सी सी प्लस प्लस सी है जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। जो एग्जांपल हमने फोर लूप के लिए लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। तो वही 1 to 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने के लिए फोर लूप व्हाइल लूप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप डू व्हाइल लूप का ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद में डू व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसके प्रोग्राम क्या है, हम ये सब देखेंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डू व्हाइल लूप देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल लूप क्या होता है? द डू व्हाइल लूप कंटिन्यूज अंटिल अ गिवन कंडीशन सेटिस्फाइज। इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। इट इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस मोस्टली मेनू ड्राइवर प्रोग्राम। डू व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन स्टेटमेंट को तब तक रन कराया जाता है जब तक डू व्हाइल में दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अगर किसी रीजन बस आपकी लूप की कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फेल्ड हो जाती है तब भी डू व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो एटलीस्ट एक बार तो रन हो ही जाते हैं। उसके बाद डू व्हाइल लूप में कंडीशन चेक की जाती है, तो इसीलिए आपका लूप बाद में टर्मिनेट होता है जब कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तभी के लूप टर्मिनेट होते हैं। वो फिर लूप व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो या डू व्हाइल हो, लेकिन डू व्हाइल में क्या है, बस अंतर इतना है कि डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट रन हो जाता है उसके बाद में ही कंडीशन चेक की जाती है, जो हम आगे उससे देखते हैं, जैसा कि इस फिगर में भी शो हो रहा है। लेकिन इस फिगर को हम आगे सिंटेक्स के साथ में अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो इसमें भी हमने व्हाइल लूप लेके रखा हुआ है फिगर, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, दो सिंटेक्स लिए हैं। पहला सिंटेक्स है डू, डू के बाद में एग्जीक्यूशन, कोड टू बी एग्जीक्यूशन, जो हमें कोड एग्जीक्यूट कराना, और व्हाइल कंडीशन। तो इसमें ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल के फॉर्म में एक और आपके लिए सिंटेक्स लेकर रखा हुआ है। इसमें क्या है, जैसे हमने ये क्या है, देखो सबसे पहले हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज की है 1, उसके बाद हमने डू दिया है, उसके बाद डू के अंदर हमने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में हमने क्या दिया, स्टेटमेंट से हमको सुबह कराना है वो दिया, उसके बाद हमने इटरेशन दिया यानी इटरेटर दिया, उसके और उसके बाद हमने व्हाइल दिया।
ओके भाई, में हमने कंडीशन दे दी, ठीक है। अब इसमें क्लियरली समझ में आ रहा था कि हमने इनिशियलाइजेशन किया है पहले आई को, उसके बाद में डू चालू किया है। डू का, डू में क्या किया हमने, स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, अपना वर्क दिया है। वर्क क्या दिया है, प्रिंट एफ आई, आई को प्रिंट कराना है। अब हमने इटरेशन किया दिया है प्लस प्लस, यानी आई प्लस प्लस, तो आई में मतलब अपडेट करनी वैल्यू प्लस होना है, तो टू, ठीक है। और वाइल लूप में क्या है, वाइल में क्या दिया, कंडीशन दी है जो भी हमारी है ना, तो इसमें क्या कंडीशन, फर्स्ट टाइम जो स्टेटमेंट जो रन कराए जाते हैं तो उसमें कंडीशन मैटर नहीं करती, क्योंकि कंडीशन तो बाद में दी गई है, तो कंडीशन तो बाद में उस वैल्यू को फेच करेगा ना जो अपडेट हो चुकी होगी। तो उससे हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं क्या है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में भी हमने वही लिया है, तो इस फिगर को इस प्रोग्राम की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने आप समझाती हूँ मैं आपको। तो देखो फिगर में क्या बता रहा है, डू व्हाइल लूप बॉडी और इधर टेक्स्ट एक्सप्रेशन। हाँ, तो इसमें डू व्हाइल में टेक्स्ट एक्सप्रेशन ही होते हैं, कंडीशन को टेक्स्ट एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिया। अब हम सी का प्रोग्राम समझते हैं क्या कह रहा है। तो सी का प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल लिखी जाती है, तो हेडर फाइल सी के प्रोग्राम में हमने लिख दिया stdio.h। अब उसके बाद में मेन फंक्शन लिखा जाता है जो हमने लिख दिया। इंटीजर से हमें हमेशा वर्क करना है, इसलिए हमने इंटीजर ले लिया। अब हमने इंटीजर आई को ले लिया, क्योंकि आई हमें एक वेरिएबल चाहिए था जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो सके, जिसमें हमारे लूप की वैल्यू स्टोर होती है, उसके लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए होता है आई, या फिर कोई भी नाम ले सकते हैं, आई ही नहीं, आप बेल ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, या जो भी लेना हो आप, दिस इज योर चॉइस। ओके, तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने आई लिया है। ओके, हमने यहाँ आई को इंटीजर टाइप किया है, क्योंकि हमको इंटीजर पर ही वर्क कराना है, इसलिए हमने आई को इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दिया और आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी बार। ओके, अब यहाँ डबल स्लैश में जो लाइन लिखी हुई है, डू व्हाइल लूप फ्रॉम 1 to 5, तो ये क्या है, ये डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश जब लगा होता है, या बैकवर्ड स्लैश जब लगा होता है, डबल बैकवर्ड स्लैश, सॉरी, जब भी डबल बैकवर्ड स्लैश लगा होता है उसका मतलब होता है कि हमारा कमेंट लिखा जा रहा है, और जब भी फॉरवर्ड स्लैश लगा हो तो वहां पर कोई ना कोई कंडीशन दी होती है। वो एक अलग टॉपिक है, वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका वो वीडियो जब भी अपलोड होगा चैनल पर तो आपके पास पहुंच जाए, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं, या वो जब भी मैं अपलोड करूंगी जैसे उस वीडियो को, डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, फिर हमने लिया है डू। डू के बाद डू में हमने क्या किया, हमको वर्क क्या कराना था, हमको वैल्यू प्रिंट करानी थी आई की, तो प्रिंट एफ आई परसेंट डी स्लैश एन आई, तो परसेंट डी जो है वो हमारा डबल क्योट्स में आता है और स्लैश एन में, है ना। तो डबल क्योट्स, सिंगल क्योट्स, जैसे हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इनको, तो इन्वर्टेड कोमा ना बोलते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको डबल क्योर्स बोला जाता है। फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो, इनको डबल क्योर्स से सिंगल क्योर्स से बोला जाता है। सिंगल वाले होते हैं तो सिंगल क्योर्स, और डबल वाले होते हैं डबल क्योर्स, है ना। तो हमने परसेंट डी स्लैश एन लिया, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए लिया जाता है, परसेंट डी हमारा इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर रहा है आई को, तो वो बार बार चेक करेगा, इसलिए लिया है। तो अब ये वर्क कैसे करेगा ये देखते हैं। तो वर्क ये ऐसे ही करेगा कि आई इनिशियलाइज किया, जैसे हमने सिंटेक्स में बताया था वैसे ही वर्क करेगा, कि जैसे हमने अब स्टेटमेंट को रन कराना है ना, तो लूप बॉडी में सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है वर्क क्या है, स्टेटमेंट का प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन आई, तो सबसे पहले आई को फेच करेगा, आई क्या बन, अब बन तो है लेकिन वो परसेंट डी है भी या नहीं, तो परसेंट डी इंटीजर टाइप को शो कर रहा है, इसलिए वो इंटीजर टाइप है, उसने चेक किया हाँ है, तो बन को प्रिंट कर दिया। फिर उसने अपडेट की वैल्यू, इटरेटर ने टू हुआ, अब वो टू जो वैल्यू है अपडेट होके फाइल में गई, फाइल में जा करके उसने मैच की कंडीशन, यस कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर स्टेटमेंट में गया, स्टेटमेंट में जो वर्क था वो वर्क कराया, फिर उसके बाद वैल्यू अपडेट हुई, फिर कंडीशन में गई, फिर स्टेटमेंट में गई, वर्क कराया, अपडेट हुई, फिर कंडीशन में गई। ये जब तक जाएगी तब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम इसको रन करा के और देखते हैं, यही हमारा सी, सी प्लस प्लस, सी है, सब में ही होता है। अब हम इन प्रोग्राम्स को
रन करा के देखते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखो तो रन हो गया ना। इसमें क्या हुआ, कुछ तेरी वैल्यू को बस आई को जो हमने इनिशियलाइज वन से किया था, तो वो जो वन से इनिशियलाइज किया तो प्रिंट पहले आई प्रिंट होगा क्योंकि परसेंटेज वो तो इंटीजर है ही, हमने इंटीजर ही इनिशियलाइज किया तो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर है तो इंटीजर है, तो वन प्रिंट हुआ। वन प्रिंट होने के बाद वैल्यू अपडेट हुई, प्लस प्लस आई से टू हो गई, इटरेटर है तो टू हो गई। अब टू जैसी वैल्यू हुई वो कंडीशन में गई, कंडीशन चेक तब होती है जब अपना इटरेटर चल जाता है, वर्क हो जाता है, उसका इटरेटर हो जाता है, इटरेटर से अपडेट हो जाती है, तब कंडीशन में पहुंचती है वैल्यू। इसलिए इसका एक बेनिफिट है कि हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, जो अभी मैं बताती हूँ आगे। तो वैल्यू प्रिंट हुई, वैल्यू प्रिंट होने के बाद में वाइल में कंडीशन में गया, तो कंडीशन में जाने के बाद में उसने चेक किया कि यस कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि टू है, टू उसमें गया कंडीशन में, अपडेट होके वैल्यू टू ही ना, तो टू कंडीशन में गया, तो टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, यस तो ट्रू है, तो टू में गया, टू गया उसमें प्रिंट एफ में और टू प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अपडेट हुई वैल्यू थ्री, फिर थ्री गया कंडीशन में ट्रू हुआ, थ्री भी प्रिंट हुआ। फिर अपडेट हुई वैल्यू फोर, फिर फोर गई कंडीशन में, फोर ट्रू हुआ तो फिर फोर प्रिंट हुआ। फिर ट्रेट हुआ फाइव से, फाइव फाइव गया, फाइव भी ट्रू हो गया, फाइव प्रिंट हो गया। फिर अपडेट हुआ सिक्स, सिक्स जैसे अपडेट हुआ सिक्स जो कंडीशन में जाएगा वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम एग्जिट हो जाएंगे, इसीलिए हमको वन टू फाइव तक वैल्यू मिली। प्रोग्राम वैसे में इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें कई कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को समझ लेते हैं डूवाइल में। जैसे एक कंडीशन तो यही बनती है कि हम जैसे हम यहाँ पर अगर हमने यहाँ चेंज भी कर दिया टेन, तो क्या होगा, लूप रन करेगा, देखते हैं ट्राई। यस कर गया लूप रन, तो लूप रन करा क्यों, इसका रीजन तो आप अच्छे से जान समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट रन हो रहा है, तो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जो वर्क दिया वो वर्क हो रहा है, तो जो वर्क दिया वो वर्क क्या है, आई को प्रिंट कराना, आई की वैल्यू टेन है तो टेन प्रिंट हो गई। अब उसके बाद में वैल्यू अपडेट हुई इलेवन, अब इलेवन होकर के वो जब लूप में गई तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो लूप टर्मिनेट हो गया तुम्हारा। अब ऐसे ही तुम इसमें भी देख सकते हो, एक जैसे आई प्लस प्लस की जगह पे है, यानी प्लस प्लस आई की जगह पे आप माइनस माइनस आई ले लो, तो आपकी वैल्यू तब भी प्रिंट होगी टेन, क्योंकि यहाँ डजंट मैटर कि आपका इटरेशन क्या कर रहा है, आपका लूप में कंडीशन क्या दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट में आप वर्क दे रहे हैं तो पहले वर्क वर्क करेगा, उसके बाद में स्टेटमेंट में हमने अपना वर्क दिया है तो पहले वो वर्क का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में इटरेटर दिया तो इटरेटर से उसके बाद अपडेट होगी, उसके बाद कंडीशन हो जाएगी, है ना। ओ अगर आप यहाँ पर टेन की जगह वन ले लेते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चल गया, आपका लूप इनफाइनाइट चल गया, चलता ही जाएगा, पता नहीं कहां के रुकेगा। पता नहीं कहां तक जाके वैल्यू ली होगी उसने माइनस में। अब इस माइनस माइनस आई तो वो तो चलते चला गया क्योंकि वो तो लेस देन में जाएगा ना, इसलिए और माइनस माइनस आई की जगह हाँ माइनस माइनस आई बना रहने दीजिए आप। यहाँ पर अगर आप टेन कर देते हैं और यहाँ पर आप लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, टेन नाइन एट सिक्स फाइव, ऐसे लूप चल जाता है, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, अब आपको C++ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके C++ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो C++ देखते हैं क्या कहते हैं। C++
सी प्लस प्लस में भी वही किया, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आईओ स्ट्रीम ले ली हेडर फाइल, उसके बाद मैंने एमएसपीएस एसटीडी लिया, उसके बाद मेन फंक्शन लिया। तो हेडर फाइल और मेन फंक्शन तो सी में भी लेते हैं, इसमें भी लेते हैं, इसमें भी इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसमें भी करते हैं। बस अंतर इतना है कि प्रिंट जो फंक्शन होता है उसका फंक्शन का कॉल करने का तरीका अलग हो जाता है बस, बाकी पूरा सेम वही है। इसमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, सी आउट एक्सेप्शन ऑपरेटर आई एक्सेप्शन ऑपरेटर स्पेस, आपको मतलब जो जो कंडीशंस देनी है विद एक्सेप्शन ऑपरेटर ही देंगे सी प्लस प्लस में, ऐसा होता है ना। तो बाकी लूप तो वही उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे वर्क करता है कि वह पहले जो वर्क दिया वो वर्क कराएगा, उसके बाद इटरेटर से अपडेट करेगा वैल्यू, उसके बाद में वाइल में वर्क कराएगा, है ना। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं क्या कहता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो देखो ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो वैल्यूज प्रिंट कैसे हुई इनको समझते हैं। तो यहाँ हमने स्पेस दिया था, ये स्पेस का नेक्स्ट लाइन का ये सब मैंने व्हाइल लूप में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप मेरी व्हाइल लूप की वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ये सब मैंने जैसे इटरेटर को कैसे चेंज करना है उसमें काफी सारी कंडीशंस मैंने लूप की बताई हैं, वो सारी कंडीशंस इसमें भी फुलफिल होती हैं, तो आप उनको देख लोगे तो वो आप इसमें भी करोगे तो इजीली आप समझ पाओगे कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। आप इसमें ट्राई करके आप देखिए, फिर आपको जो प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगी उसमें जो भी कंडीशंस दी हैं आप उन सभी कंडीशंस को डू व्हाइल के साथ में और फॉर लूप के साथ में एक बार ट्राई करके जरूर देखना। उसके बाद में फिर आपको जहां भी दिक्कत आएगी मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इंट मेन फंक्शन ले लिया, आईओ स्ट्रीम डॉट एच वो ले लिए हेडर फाइल, फिर उसके बाद में इंट मेन फंक्शन ले लिया। मेन फंक्शन लेने के बाद में फिर आई इक्वल टू वन डिक्लेयर, आई मीन स्टेटिक और डायनेमिक ये होती है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही बार हमको वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद में तो नो नीड है ना। तो हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि आई इक्वल टू वन, इनिशियलाइज कर दिया और इंटीजर टाइप लिख दिया वहां पे। अब डू सी आउट आई एक्सेप्शन ऑपरेटर, तो ये ले लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में आया प्लस प्लस आई ले लिया, ये भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो वर्क कर रहा था उसी हिसाब से कि पहले वर्क करेगा उसके बाद में अपडेट करेगा वैल्यू फिर कंडीशन देगा। तो वही वन दिया इसने तो सी आउट से वन प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद स्पेस प्रिंट हो गया, फिर अपडेट हुई वैल्यू, फिर टू हुई, टू कंडीशन में गई, टू मैच हुई, यस ट्रू है, तो फिर सी आउट में गई, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद स्पेस प्रिंट हुआ, फिर अपडेट हुई थ्री, फिर थ्री गई कंडीशन में, फिर थ्री प्रिंट हुई थ्री, उसके बाद में फिर फोर अपडेट हुआ, स्पेस प्रिंट हो गया, फिर फोर अपडेट हुआ थ्री से, फोर अपडेट हो गया फिर कंडीशन में गई, फिर फोर प्रिंट हुआ, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में फाइव अपडेट हुआ, फिर फाइव प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ। अब स्पेस प्रिंट होना हो डजन बेटर, लेकिन उसका स्पेस प्रिंट होता होगा वाइल फॉल्ट, और उसके बाद में फिर आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है जैसे सिक्स अपडेट होती है। तो वही सब हो रहा है इसमें, जैसे हमने सी में किया था वही इसमें हो रहा है। हम सी प्लस प्लस और सी हैज और जावा में और देख लेते हैं ना, सी प्लस प्लस का तो वही गया, सी हैज में भी वही होता है, कोड देख लेते हैं कोड कैसे लिखा जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सारी प्रॉब्लम्स को मैं व्हाइल लूप में बता चुकी हूँ, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, है ना। तो देखो सी हैज में क्या करना है, एक्चुअली पहले मैं यहाँ कोड लिख लेती हूँ, कंट्रोल वी, ओके हमने कोड लिख लिया, इस कोड को रन करा के देख लेते हैं। रन कराया, ओके ये हमारी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आने के बाद तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको प्रोग्राम चलाना है। ओके, तो प्रोग्राम में क्या किया, यूजिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट हम लेते ही हैं, तो वो हमने ले लिया। क्लास हम बनाते हैं, हमने यहाँ पब्लिक क्लास बना दिया बस। तो पब्लिक क्लास इसलिए बनाई जाती है कि हमको प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस करना पड़े, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं ये, तो छोटे छोटे से मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब हम स्टैक बनाते हैं या क्यू बनाते हैं किसी लैंग्वेज की हेल्प से, या फिर एरे बनाते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे फिर अपन को इन सब कॉन्सेप्ट्स की बार बार कई बार जरूरत पड़ती है, तो उस कारण हमको यहाँ पब्लिक क्लास बनानी पड़ती है। तो हमने इसलिए यहाँ पब्लिक क्लास ली थी। और आपको अगर पब्लिक क्लास की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वैसे मैं पब्लिक क्लास की वीडियो बनाऊंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। ओके, तो अब उसके बाद मैंने स्टेटिक वॉइड में
फंक्शन बन लिया, कॉल किया, उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज की जो हम करते ही हैं उसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही होता है कि पहले हेडर फाइल लो यानी यूजिंग सिस्टम ले लिया, फिर उसके बाद में पब्लिक स्टेटिक वर्ड मैन ले लिया यानी मेन सिस्टम पे लेना होता है। उसके बाद में सीएस में क्लास से चालू होती है, उसमें जावा में भी क्लास से चालू होती है। सीएस में यूजिंग सिस्टम, फिर क्लास, फिर उसके बाद में फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर डू व्हाइल लूप और ये सब। तो बस इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन के बाद में हमने डू में अपना वर्क दे दिया कि हमको आई प्रिंट करानी है, फिर प्लस प्लस आई दे दी यानी अपडेट करानी है वैल्यू, फिर वाइल की कंडीशन दे दी। ठीक है, तो ऐसे ही बस वर्क करेगा, आई की वैल्यू पहले डू में जाएगी, तो पहले वर्क क्या करना है हमको, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, अपन प्रिंट हो गई, फिर अपडेट हुई टू, टू कंडीशन में गई तो टू मैच करी, यस करी, ट्रू है वैल्यू, ट्रू, तो टू अपनी कंसोल और राइट लाइन में गई, टू प्रिंट हुई, फिर उसके बाद अपडेट हुई थ्री, थ्री गई कंडीशन में, फिर थ्री प्रिंट हुई फिर कंडीशन में गई, फिर फोर प्रिंट हुई, फिर फाइव प्रिंट हुई, ऐसे ही सिक्स हुआ, वैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ यानी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ओके, तो ये आपको समझ आ गया है ना, तो इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में कैसे आया, तो राइट लाइन से आया, लाइन नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं व्हाइल लूप में बना चुकी हूँ, तो आप अच्छे से देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब हम जावा का देखते हैं कि जावा क्या है ना, जावा का प्रोग्राम कैसे समझते हैं। तो जावा के प्रोग्राम में भी वही सब है जो सी में, सी प्लस प्लस और सी हैज में था, वही जावा के प्रोग्राम में है। इसको रन कराते हैं, हाँ तो जावा का प्रोग्राम भी रन हो गया। इसमें कुछ नहीं है, क्लास ली हमने, क्लास को मेन नाम से ले लिया, क्लास किसी भी नेम से ले सकते हैं, उसमें हमने डू व्हाइल एग्जाम्पल करके ली थी, लेकिन उसमें भी हम मेन करके ले सकते हैं क्लास का नेम जैसा आपको सही लगे, लेकिन वैसे ज्यादातर ऐसे से लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद में हमने void main method को यूज कॉल किया, उसके बाद हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी आई में और एन में। इसमें हमने क्या किया, एन में वैल्यू इनिशियलाइज और कर दी है, क्योंकि उधर हमने फाइव नहीं लिया नीचे कंडीशन में देखो। ओके, तो हमने एन और आई की दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज ऊपर ही कर दी है। उसके बाद में हमने अब डू में एंटर हुए, तो डू में एंटर हुए तो उसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सबसे पहले वर्क करा रहा है, तो फिर उसने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, आई की वैल्यू वन प्रिंट हो गई। अब अपडेट हुई टू से, टू गया कंडीशन में, ट्रू हुई कंडीशन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में फिर गया वैल्यू गई, तो टू पे अपडेट हुआ, टू प्रिंट हुआ, फिर थ्री अपडेट हुआ, फिर थ्री गई कंडीशन में, थ्री ट्रू हुआ तो थ्री प्रिंट हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, फिर थ्री से फोर हुई इंक्रीज, फिर फोर गया कंडीशन में, फोर ट्रू हुआ तो फोर प्रिंट हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, फिर फोर से अपडेट हुई फाइव, फाइव गया वाइल कंडीशन में और फाइव प्रिंट हो गया। फिर जैसे सिक्स अपडेट हुआ वैसे ही आपका लूप टर्मिनेट हो गया जैसा कि उसमें समय हो रहा था। इसे हम एक टेबल की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना। तो इसमें जो टेबल हमने ली है उस टेबल से आपको और अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए टेबल है हमारी डू व्हाइल लूप की, या सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा के अपने प्रोग्राम लेके, तो उनका ये इटरेशन टेबल है। तो इसमें होता क्या है, जैसे वन और फाइव हमने जैसे उसमें जावा के प्रोग्राम में इनिशियलाइज किए थे, एन इक्वल टू फाइव और आई इक्वल टू वन, वहां पे हम एन हर एक में ले सकते हैं जैसा हमने व्हाइल लूप में एक्सप्लेन किया है। आप इसको उस वाली वीडियो को आप जरूर देखना, व्हाइल लूप की वीडियो को, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा है ना। तो आई इक्वल टू बन लिया जो हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, तो उसने कॉल किया बन आई आई की वैल्यू, उसने चेक ही नहीं की क्योंकि हमें तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, वो वर्क कराना है, तो स्टेटमेंट में वर्क दिया हुआ है कि हमको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू उसने प्रिंट कर दी आई। एन की वैल्यू कुछ भी हो उसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब उसने अपडेट की टू हुआ, ठीक है, क्योंकि उधर एन था ही नहीं अपने प्रोग्राम में, आपने इतनों में देखा किसी में भी एन नहीं था, एन तो सीधे लास्ट में था जब वर्क हो गया, उसके बाद अपडेट हो गया, उसके बाद में कंडीशन में एन आएगा, तो एन को कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन में तो एन का कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड इटरेशन में है ना, तो फर्स्ट इटरेशन अब होगा क्योंकि अब अपडेट हो गई वैल्यू, तो वो फर्स्ट इटरेशन बोला जाएगा। और फर्स्ट इटरेशन में क्या आया, टू, टू और फाइव,
अब मैच होगा, 2 और 5 जैसे मैच होंगे, कंडीशन जब मैच की जाती है तब फर्स्ट इटरेशन बोला जाता है ना। तो 2 और 5 जब मैच हुए तो 2 हुई कंडीशन, तो 2 प्रिंट हो गया और 3 से इंक्रीज हो गई वैल्यू। 3 से तो हमारी पहले ही इंक्रीज हो चुकी होगी। अब 2 प्रिंट हुआ, 2 के बाद में फिर 3 से इंक्रीज हुई, 3 से इंक्रीज होने के बाद में 3 को चेक किया उसने 5 से, फिर वैल्यू ट्रू है तो ठीक है, उसने 3 प्रिंट कराया, 4 से इंक्रीज किया। शिट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ एन इक्वल टू 4 नहीं करना था, एन इक्वल टू 5 और इधर आई इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ 4 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट होने के बाद में फिर 5 से इंक्रीमेंट हुआ, वो 5 से इंक्रीमेंट होने के बाद 5 भी प्रिंट हो गया, फिर 6 पर जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो हमारा जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, इसलिए हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। और ये जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम मैच नहीं हो रही है, ये जो मैंने बताया था अभी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में बताया था, या सी के प्रोग्राम में बताया था कि जो वैल्यू है इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। आप अगर आई की वैल्यू 1 की जगह 10 भी देते तो भी वो मैच नहीं करता, 10 को प्रिंट कर देता, ऐसा करके मैंने कुछ बताया था आपको। तो वही चीज है ये कि मतलब नो चेक ही नहीं करता, तो आपका वर्क तो होना ही होना है, एटलीस्ट 1 टाइम वर्क होगा, उसके बाद में इटरेट कर देगा। तो इटरेट जैसे ही होगा तो उसके बाद में जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वहीं के वहीं लूप टर्मिनेट हो जाएगा, पर एटलीस्ट 1 टाइम जो लूप को वर्क दिया है वो लूप वर्क जरूर करेगा, है ना। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे। व्हाइल डू व्हाइल लूप तो हो ही गया आज, अगली वीडियो में हम फो पाइथन के व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं, उसके प्रोग्राम्स को देखेंगे कि कैसे वे वर्क करते हैं, क्या है उसके फोर लूप के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पाइथन लैंग्वेज का फोर लूप आप उस वीडियो से समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने जो सी सी प्लस प्लस सी है जावा का जो बताया मैंने, डू व्हाइल लूप जो मैंने समझाया आज, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। तो आप मुझे हर एक क्वेश्चन पूछे, उससे मैं आपके हर एक क्वेश्चन को आपके लिए हर संडे एक वीडियो बना सकूं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन को कवर कर सकूं, है ना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे वो वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द मिल सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।